आवाज़ की दुनिया के दोस्त कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें शेयर करें। शिक्षकों ए अभिभावकों को निर्भय होकर आवश्यक रूप से बताएं जिससे अपराधी के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो सके। मीना ने गुड टच बैड टच के बारे में बताते हुए कहा कि पोस्को कानून के तहत कठोर प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ साथ अपराध में सहयोग करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस शिक्षा चिकित्सा सहित अन्य के लिए अलग अलग दायित्व का तत्काल निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य आशा गुप्ता ने बालिकाओं से कहा कि वे उत्पन्न संबंधी किसी भी घटना को निर्भय होकर उनके या विद्यालय की किसी भी शिक्षिका या अभिभावक को निसंकोच होकर बताएं जिसे अपराध में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध पोस्को कानून में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। प्रार्थना सभा में बाल यौनोचार एवं उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बालिकाओं को जागरूक करने के लिए कोमल फिल्म का प्रदर्शन कर जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को पोस्को कानून की जानकारी दी। पटेल ने कहा अनुशासन से प्रेरित रही पिछले 18 साल से सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने कई रचनात्मक सुधार कर जनोमुखी योजनाओं का सरल अमलीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देने के लिए मोदी के प्रति आभार भी प्रकट किया। हरे हरे जय श्री कृष्णा राधे राधे। फिर से दीप जलाए जीवन बोध। संभव है हम में कोई बुराई घर कर चुकी हो। अगर ऐसा हो तो इसके लिए हम आत्मग्लानि का अनुभव न करें। बुराई आ जाया करती है। आज बुराई है तो क्या हुआ, हम जीवन के प्रति नेक दृष्टि अपनाकर अच्छाई भी आत्मसात कर लेंगे। बुराई कोई जीवन भर बुरा थोड़े ही रह सकेगा। अच्छाई के प्रयास हो तो बुराई को बदलने में कितना वक्त लगता है, ये चमत्कार हमारी निर्मल दृष्टि व निर्मल सोच से ही संभव हो सकेगा। आओ हम जीवन में फिर से दिया जलाएं, घर घर और घट घट दीप जलाएं। शुरुआत अपने आप से करें। मन में पड़ने वाली घृणा और घमंड का त्याग करें। हम पेश आए सबके साथ विनम्रता और शालीनता से हमारा विनम्र प्रस्तुत करण लोगों के हृदय में हमारा स्थान बनाएगा। यदि कोई गलत भाषा या गलत व्यवहार का आचरण कर भी डाले तो हम में इतनी सहन शक्ति हो कि हम उसे माफ भी कर सके। परिस्थितियां चाहे जैसे उपस्थित हो जाए, ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति को अपनी प्रसन्नता छीनने का अधिकार न दे। व्यक्ति की शालीनता और विनम्रता ही उसकी मधुरता आचार विचार को देख कर ही कहेगा कि तुम कैसे हो। अच्छाई से बढ़कर कोई ऊंचाई नहीं होती। ऊंचा उठने के लिए अच्छा बनना अनिवार्य पहलू ही है। श्री चंद्रवान। सुनाई पाक की धुलाई की कहानी। सदन ने ठोकी पीठ। आवासीय दुनिया में परोसी जा रही अश्लीलता वास्तविक संसार में दूषित मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। इससे दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं अंतर्मन। प्रथम उत्तम पुरुष जो औरों के लिए अपने स्वार्थ यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं। द्वितीय मध्यम पुरुष जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के साथ ही दूसरों की स्वार्थ पूर्ति में अपना भी योगदान प्रदान करते हैं। तृतीय श्रेणी में उन पुरुषों की समाहित किया गया है जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बिना कारण दूसरों को हानि पहुँचाते हैं। इनमें उत्तम पुरुष की मृत्यु के समय उनके द्वारा उपकृत व्यक्ति आंसू बहाएंगे ही। जीवन उसी का सार्थक होता है जो औरों को सुख पहुँचाते हैं तथा उनका दुख दूर करने के लिए जीता है। अपने को सुखी बनाने में व्यक्ति जीवन व्यर्थित होता है। अपना पेट तो सभी प्राणी भर लेते हैं, अपनों को सभी प्यार करते हैं, उनके लिए चार आंसू भी बहाते हैं, परंतु प्राय वे पड़ोस के मृतक से कोई वास्ता नहीं रखते। मनुष्य वही है जो अपने पेट के साथ दूसरे का पेट का भी भरण पोषण करे तथा सभी को स्नेह प्रदान करे। हमें अपने सत्कर्मों की एक श्रृंखला अवश्य छोड़ जानी चाहिए ताकि मृत्यु के बाद लोग याद रखें। जीवन ईश्वर को समर्पित बुद्धि से सत्कर्म करें बीते। अनमोल वचन, अगर आप महान काम नहीं कर सकते तो छोटे काम महान तरीके से करें। हरे हरे जय श्री कृष्णा राधे राधे।